नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में ये जो एडिनियम है उसकी रिपॉटिंग करने वाले हैं। तो ये जो एडिनियम है मैंने पहले से गमले में से निकल लिया था और ये काफ़ी बड़ा एडिनियम है और उसके रूट्स भी अभी तक मैंने नहीं काटे। तो आज की वीडियो में किस तरह से हम ये एडिनियम को रिपॉटिंग करने वाले हैं तो ये वीडियो में पूरी तरह से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये इस तरह का आपका गमला लेना है और दूसरे जो गमले आते हैं वो मत लेना, इसी तरह के जो सैलो गमले हो वही आपको लेने हैं। क्योंकि एडिनियम में जब इसका यार कॉडेक्स काफ़ी अच्छा हो जाता है तो आपको सैलो गमले ही लेने हैं। और ये देख सकते हैं कि ये जो पिछले गमले में था तो इस तरह का ग्रो हो गया था। अब उसे जो रूट्स और वो सब अच्छी तरह से काट के परफेक्ट सा बॉन्साई लुक बना देने वाले है। तो देखते हैं, तो सब ये जो एक्स्ट्रा रूट्स है जो मैंने काट दिए हैं और ये देख सकते हैं कि इस तरह के से पूरा सपाट हो गया और ये अब इसे परफेक्ट बॉन्साई लुक धीरे धीरे आना भी स्टार्ट हो गया है। तो जब आप काट दोगे तो इस तरह का अच्छी तरह से फ्लैट सरफेस पे रख देना तो आसानी से बैठ जाना चाहिए। तो ये जो पौधा था तो उसे हमने अच्छी तरह से पॉट में आ जाता है। फिर आता है कि हमने जो काटा वहाँ पे आपको फंगीसाइड लगाना होता है, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ सेफ का फंगीसाइड का पाउडर। तो मैंने जहाँ जहाँ जो रूट्स उस कॉडेक्स के पास थे वो मैंने काट लिए थे तो वहाँ वहाँ मैंने लगा दिया है ये सेफ का फंगीसाइड। तो ये फंगीसाइड लगाने से ये पौधे में अच्छी तरह से जो कट गया है वहाँ पे ना कोई बैक्टीरिया लग जाए ना कोई इन्फेक्शन लग जाए, इसी डर से मैंने वहाँ पे फंगीसाइड लगा दिया है। आप भी ऐसा करो तो आप भी लगाना। और फिर हमें एक अच्छी सी पॉटिंग मिक्स बनानी है, तो हम इस्तेमाल करने वाले रेत और मिट्टी का दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक अच्छा सा पॉटिंग मिक्स बना देते हैं। फिर आपको धीरे धीरे पॉट में डालना है और आप जब पॉट में मिट्टी और रेत का दोनों का अच्छे तरह से पॉटिंग मिक्स हो तो ध्यान से डाल देना और आपका जो पॉट हो उसमें एक होल भी होना चाहिए, छोटा सा छेद होना चाहिए ताकि बारिश का पानी या ज़्यादा पानी भी आ जाए तो वो निकल जाना चाहिए। तो वो एक बार आप ध्यान रख लेना। तो अच्छी तरह से आपको पॉटिंग मिक्स वो सब डाल देनी है अपने गमले में और फिर काफ़ी बढ़िया तरह से धीरे धीरे आसानी से मिट्टी पूरे के पूरे एडिनियम को अच्छी तरह से रख के पूरी की पूरी मिट्टी लगा देनी है। तो देख सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया सा ये बॉन्साई लुक एडिनियम का बन रहा है। और इस पॉटिंग मिक्स में आपको खाद भी ऐड करनी है, तो खाद आप अच्छी तरह से डाल देना तो ये जो आपका बॉन्साई है वो परफेक्ट बड़ा हो जाएगा थोड़े समय में और काफ़ी सुंदर दिखाई देगा। और देख सकते हैं ये जो बॉन्साई अब रेडी है और थोड़े टाइम में ये जो बॉन्साई अच्छी तरह से दिखना भी दिखाई देगा। और अब जब लगा के इसे सीधे धूप में ना रखना, दो तीन दिन इसे आप ये जो लगाए हुए एडिनियम है उसे छांव में रखना और फिर आप उसे धूप में भी रख सकते हो। तो ये देख सकते हैं कि ये जो एडिनियम का कंप्लीट रिपोर्टिंग था। और भी काफ़ी सारे वीडियोस हमारे चैनल पे है तो जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।